हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टीचर स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा असम पुलिस में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में। असम पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ऑफिशियली वो डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो डिटेल्स है मैं उसको पढ़ के आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल डिटेल्स है यहाँ पे चला आया है, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम रेहाबारी गुवाहाटी 7। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर 130 पोस्ट ऑफ सांस इंस्पेक्टर एंड आर्म ब्रांच इन आसाम पुलिस। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द 130 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यू बी इन द पे अप स्केल 14,000 to 49,000। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सैलरी जो मिलेगा 14,000 से 49,000 आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है जनरल वालों के लिए यहाँ पे है 46 और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल 20, टोटल होता है 60। तो इस तरह से ओबीसी एससी एसटी के सब मिला के यहाँ पे 130 के आपको वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको मस्ट इंडियन होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ आसाम। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप 24 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 24 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 5 इयर्स जो कि एक्सटेंड होगा एस सी एस टी के लिए। उसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे हाइट मिनिमम जो कि है जनरल ओबीसी वालों के लिए, जनरल ओबीसी एंड एसटी वालों के लिए 162 सीमी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 सीमी। एसटी कैंडिडेट के लिए मेल 160 एंड फीमेल 152। चेस्ट मेल के लिए है यहाँ पे 80 सेमी सेंटीमीटर, नॉर्मल एक्सपेंट जो कि 85 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 78 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर। उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ जनरल, जो कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव स्क्विंट आइज एंड स्क्विड प्रोसेस हाई कलर विजन वेरिकोस वेन शैल बी कंसीडर टू टेम्पोरारी डिस्क्वालिफिकेशन। ही और सी मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आई साइड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिस्टेंट विजन शुड बी सिक्स फॉर द लिस्ट वन आई एंड नॉट प्रोपर दैन 6 to 9 फॉर द अदर विद्रो विदाउट करेक्शन। नेवर विजन शुड बी नॉर्मल। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इस वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके लिए यहाँ पे, जो कि बहुत बार एक अच्छा खासा जो कि बात है, यहाँ पे कोई भी आपका एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक सिग्नेचर भी देना होगा जो कि आपको यह अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ आपके एजेस की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एवं ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट जो कि आपको वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो कि यहाँ पे होगा, आपको फर्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट देना होगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो कि होगा 100 मार्क्स के ओएमआर क्वेश्चन होगा। इसके बाद में दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि क्वेश्चन सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा। रिटर्न टेस्ट देने के बाद आपको और यहाँ पे आपको जो फिजिकल टेस्ट देना होगा, फिजिकल टेस्ट में आपको रेस एंड लॉन्ग जंप देना होगा। और रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम में आपको जो कि रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना होगा।
तो यहाँ पे आपको रिटर्न एग्ज़ाम 50 मार्क्स के हो गए, 50% नॉन 100 मार्क्स हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज़ जो 15-30 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर प्रोफियंसी जो कि 30 मार्क्स के होंगे, फिजिकल इफियंसी टेस्ट जो कि 40 मार्क्स है। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था जो कि असम पुलिस का रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है इसका। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।